फ्रॉम दादीसा की किचन से और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी और ये बनाऊंगी मैं बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन ये सब्जी ऐसी बनेगी कि बच्चे अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे 200 ग्राम मेथी। इसे हमने 2 से 3 पानी से बहुत अच्छे से धो दिया है और इसके जो पीछे के डंठल है वो भी हमने निकाल लिए हैं बाहर। और अब इसे करना है बारीक बारीक से कट। तो यहाँ हम इसे कैंची से कट करेंगे, इजीली हो जाते हैं। जब भी आप पत्ती की कोई भी सब्जी बनाएं तो उसे धोना बहुत अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी लगी रहती है और वो हमारे शरीर को नुकसान भी बहुत करती है। बहुत बारीक बारीक सी और इजीली कट हो जाती है, ये देख सकते हैं आप। बस इतनी ही बारीक हमें कट कर लेनी है। तो सारी मेथी को इसी तरह से कट कर लेंगे हम, ये देखिए। तो मेथी हमने तैयार कर ली है और अब हम करेंगे मटर को तैयार। यहाँ पे मैंने 1 कप मटर लिए हैं और इन्हें हम करेंगे बॉईल। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, बस 2 से 3 मिनट तक ही इन्हें गर्म पानी में अच्छे से बॉईल होने देना है। साथ में डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर यहाँ इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मटर का कलर है वो बिल्कुल ग्रीनिश ही बना रहे, ये देख सकते हैं आप। अच्छे से ग्रीन ग्रीन मटर है और 5 मिनट हो चुके हैं, हमें निकाल लेंगे इन्हें बाहर, ये देखिए। आप मटर का कलर देख सकते हैं, एकदम से ग्रीनिश है। मटर ऐसे ही फूले फूले रहे इसके लिए हम इसे अब ठंडे पानी में डाल देंगे। तो मटर हमारे तैयार हो चुके हैं और अब लेंगे हम यहाँ पे एक पैन और जो हमने मेथी कट करके तैयार कर ली थी उसे हल्का सा ऐसे ही हमें फ्राई करना है या सेकना है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। बस हल्का सा ही हमें इसे गरम कर लेना है या सेक लेना है जिससे जो मेथी है नरम हो जाएगी और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए हल्की सी नरम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है इसे, हल्का सा ठंडा होने के लिए इस तरह से फैला देंगे इसे। और अब हम तैयार करेंगे मेथी मटर मलाई के लिए ग्रेवी। तो ले लिए कढ़ाई और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ हम साबुत गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर, उससे जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा, हल्का सा इसे चटकने देंगे, ये देखिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 लौंग, 8 से 10 काले मिर्च और 2 साबुत इलायची। तो साबुत मसाले डालने के बाद में हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच ही बारीक कटी हुई अदरक और उसके साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इन सब मसालों को डालने के बाद में उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे खड़े मसाले हैं और जो हमने अदरक लहसुन डाले हैं उसका कच्चापन निकल जाए। तो 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर काजू। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और उसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। काजू डालने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही रिच हो जाती है, उसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। तो यहाँ हमने 1 प्याज लिया था, उसे रफली कट कर दिया था और उसे भी हल्का फ्राई कर देंगे हम। आप प्याज और लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं 2 टमाटर बारीक कटे हुए और जैसे ही हम टमाटर डालेंगे वैसे ही हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो यहाँ हम डाल रहे हैं सबसे पहले नमक 1 चम्मच के करीब और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हमें जो मेथी मटर मलाई है उस सब्जी में ज़्यादा मसाले तीखे नहीं डालने हैं, नहीं तो उसका जो टेक्सचर है एकदम से मुलायम क्रीमी टेक्सचर होता है वो नहीं आएगा। तो बस अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए
5 मिनट तक इसे हमने पका लिया है और अब हम इसे कर देंगे ठंडा। तो ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है और डाल रहे हैं ग्राइंडर जार में। कभी भी आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसे गरम गरम ग्राइंडर जार में न डालें और न ही ग्राइंड करें, उससे ग्राइंडर जार खराब हो जाएगा। और अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। तो उसके लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं हम यहाँ पे। इससे जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार होगी और बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाएगी। तो चलिए कर देते हैं इसे कवर और जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बनके तैयार है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फाइन ग्राइंड हुई है और कलर भी बहुत ही अच्छा है। और अब हम डालेंगे इसे पैन में। और यहाँ इसे डालने से पहले न हम बटर का यूज़ कर रहे हैं और न ही तेल का यूज़ कर रहे हैं। और सच मानिए यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। जो ये मेथी मटर मलाई बनती है उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और ग्राइंडर जार में जो ग्रेवी साइड्स में लगी हुई है हल्का सा दूध डाल के उसे भी निकाल लें बाहर। ये देखिए गैस के फ्लेम को अभी हम हाई पे कर देंगे और इसे हिलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अच्छे से गर्म हो चुकी है ग्रेवी। तो फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पे और इसे अच्छे से हिलाते जाएंगे। 5 मिनट तक हमें अच्छे से पहले ग्रेवी को पकाना है। और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर जो हमने मेथी तैयार कर ली थी उसे डाल देंगे। आप मेथी देख सकते हैं हल्की नरम है तो जल्दी से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एकदम से क्रीमी हो जाएगी। आप जब भी घर पे इस रेसिपी को ट्राई करें तो मेथी को ज़रूर एक बार से गर्म कर लें ताकि नरम होने के बाद में बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है सब्जी में। ये देखिए जल्दी से मिक्स हो गई है और बस 1 से 2 मिनट तक इसी तरह हमें मेथी को पहले पका लेना है। बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है और ऐसे में अगर सब्जी इस तरह से बनाएं तो बच्चे अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर मटर। आप देख सकते हैं मटर अभी भी वैसे ही हैं, फूले फूले से हैं, हमने इसे ठंडे पानी में रख लिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो इसे हल्का लिक्विड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दूध। तो 1/4 कप दूध लिया है हमने और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाना है और जो हमारी सब्जी है उसे हिलाते जाना है। ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा दूध डालना है और इस तरह से चलाना है चम्मच को। दूध डालने के बाद में चम्मच से हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसका टेक्सचर भी ख़राब नहीं होगा और दूध भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे से लिक्विड हो चुकी है और जो दूध है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस धीमी आंच पे इसे पकाना है। तो यहाँ हम डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने सिर्फ ग्रेवी में डाला था और बाद में नमक नहीं डाला, तो यहाँ 1/2 चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके तैयार हो रही है। हल्का सा ढक लगा देंगे इसके ऊपर और 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे इसे। तो बस 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर हटा रहे हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर फ्रेश मलाई। ये घर की मलाई है, इसे हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और उसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर की क्रीम का यूज़ करें यहाँ पे, आप घर की भी मलाई को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इसमें। बस 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते जाना है और 2 मिनट के लिए लिड लगा के हम इसे रख देंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है इसे। 2 मिनट हो चुके हैं और लिड हटा रहे हैं हम। ये देखिए गर्मा गर्म मेथी मटर मलाई तैयार है बनके। मेथी मटर मलाई की इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए 100% बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे बना के। तो ये देखिए तैयार है हमारी मेथी मटर मलाई। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये।
तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।